नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दानापुर रेल मंडल से। जी हाँ, वहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है और ना जाने कितनी ही यात्रियों की जान जाते जाते बची है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दानापुर रेल मंडल से अभी एक खबर निकल कर आई है कि पटरी पर एकमात्र छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ना जाने कितनी ही लोगों का जान ले सकता था। आपको हम पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं कि पूरी खबर क्या है, इसमें क्या कुछ हुआ है और किसकी लापरवाही के कारण इतने सारे लोगों की जान जा सकती थी। दानापुर रेल मंडल में रविवार की सुबह हादसा होते होते टल गया है। जी हाँ, यहाँ स्टेशन से खुलने के साथ ही एक ट्रेन पटरी से उतर गई। संयोग अच्छा रहा और इस हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन की थोड़ी ही देर पहले खुलने के कारण गति काफी धीमी थी। इस मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही की बात निकलकर सामने आ रही है। हादसे के कारण इस रूट पर न जाने कई ट्रेनों का जो प्रचालन है वो अभी तक प्रभावित है। साथ ही दानापुर रेल मंडल के वरीय अधिकारी सूचना मिलते ही घटना स्थल के पास पहुंच चुके हैं। हम इस खबर में विस्तृत जानकारी की हालांकि भी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो सारी बातें हैं वो खुलकर नहीं सामने आ रही है कि आखिरकार इसमें किसकी लापरवाही थी और आखिरकार इसमें हुआ क्या कुछ है। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हादसा राजगीर रेलवे स्टेशन पर हुआ। राजगीर फतुहा सवारी गाड़ी के खुलते ही ट्रेन की कुछ बोगियों के पहिए पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि रात को ट्रेन की रैक खड़ी करने के बाद उसके पहियों के नीचे लकड़ी का अवरोध लगाया गया था ताकि ट्रेन धीरे से उधर नहीं फिसले। रविवार की सुबह ट्रेन को आगे बढ़ने से पहले इस अवरोध को हटाया नहीं गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन में अफरा तफरी मच गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही हालांकि रेल प्रशासन की तरफ से हो कैसे सकती है, क्योंकि बात एक और दो लोगों की नहीं है, बात हजारों लोगों की हो रही है, बात सैकड़ों लोगों की हो रही है। क्योंकि उस ट्रेन में जितने ही लोग सवार थे, जितने यात्री थे, उन सारे यात्री की जान खतरे में थी और खतरे की जिम्मेदारी और ये खतरा किसकी वजह से हुआ, रेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से। क्योंकि एक लकड़ी का टुकड़ा जिसको रात में ट्रेन फिसल ना जाए पटरी से, जिसके अवरोध के कारण जो टुकड़ा लगाया गया था, हालांकि उसे सुबह में हटाया क्यों नहीं गया, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी कि उस लकड़ी को टुकड़े को समय रहते हटाया जाए, ट्रेन शुरू होने से पहले उस लकड़ी को टुकड़े को हटाया जाए और ऐसा नहीं किया गया और न जाने कितनी ही यात्री की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि अभी तक जो खबर ये निकल कर आई है कि जो सारे यात्री हैं वो अभी तक सुरक्षित है, जो ट्रेन का पहिया पटरी से बेपटरी हुआ था वो बच गया है, संभल चुका है, यात्री बच चुके हैं। लेकिन प्रशासन वहां मौजूद है, मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार इसमें किसकी लापरवाही थी, उस समय किसकी ड्यूटी थी उस लकड़ी के टुकड़े को हटाने का और किसने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। आप सब जानते हैं कि जब इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो जो बड़े पद पर लोग होते हैं वो बहुत आसानी से अपना पल्ला साफ कर लेते हैं और छोटे मोटे कर्मचारी की ये जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इसमें देखना यह है कि अगर ये लापरवाही हुई है तो किसकी वजह से हुई है और कार्रवाई तो इस पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मामला ये है कि अभी तक किसी लोगों की जान नहीं गई, बच गई जान, लेकिन जान जा भी सकती थी, उसका जिम्मेदार कौन होता। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।